हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे ही फिर से वैकेंसी का माहौल गर्म हो गया है और योगी जी ने फिर से आपको बहुत सारे तोहफे देने वाले हैं, और चाहे इसका जो भी परिणाम समझिए, चाहे जिस घटना का ये परिणाम हो, लेकिन इसमें विद्यार्थियों का भला होता दिख रहा है, भला होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो योगी जी के संज्ञान में नहीं थी, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी जाकर के वहाँ पर मिले और बताए, तो तब जाकर के उनको पता चला। उन्होंने बताया कि भाई, हमने तो संबंधित विभाग को ये जिम्मेदारी, भाई राज्य में बहुत सारे काम होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को हमने आयोगों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करवाए, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं था। जो भी एप्लीकेंट वहाँ पर जाकर मिले हैं, जो भी, तो उनको आश्वासन दिया गया है कि जितने भी 2015 से लेकर अभी तक जितनी भी रुकी हुई वैकेंसियाँ हैं किसी भी विभाग में, तो वो सारी वैकेंसी की लिस्ट मांगी गई है और जल्द ही आपको बहुत सारी खुशखबरी, यानी 8 तारीख को भी आपको बोला गया है, यानी हो सकता है कल के डेट आपको कुछ सुनने को न्यूज़ मिले, कल के डेट में कुछ आपको बड़ा सुनने को मिल सकता है। जैसा कि बताया गया है, योगी जी का बड़ा आदेश आया है कि जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती की परीक्षा, हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि होगी, मगर ये मान के चलिए कि भाई जुलाई अगर बोला जा रहा है तो अगस्त में हो सकती है पक्का, ठीक है। अगर जुलाई बोल रहे हैं तो अगस्त सितंबर तक तो जाते जाते ये आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। तो भाई जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही पढ़ रहे हैं तो बड़े गलत फहमी में हैं, क्योंकि एक एक बच्चा जो है ना इस गर्मी में भी जी जान लगा दिया है। हम लोग तो बच्चों के बीच रहते हैं, हम तो देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं भैया जी जान लगा रखे हैं, अभी से इस गर्मी नहीं दिख रहे हैं उनको, गर्मी ठंडी और बरसात ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, उनको वर्दी दिखाई दे रही है बस, है ना। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। आप बहुत गलत फहमी में अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कि इतनी तो इतने वैकेंसी है तो इतने ज़्यादा भी परीक्षार्थी भी तो हैं, तो भाई जो मेहनत करेगा, जो कड़ी मेहनत करेगा वो रिजल्ट लाएगा, ठीक है। और डिसीजन आपको लेना है कि आपको किससे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन मार्केट में आपने सभी को देखा होगा कि कौन किस लेवल पे जा कर के काम किया था। इसके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं को आप देख लीजिए कि किस लेवल पर जा कर के कौन कितनी मेहनत करके कहां तक पहुंचा था, कितना काम किया था। तो दोस्तों, चाहे आप किसी से भी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ये हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो परीक्षार्थी उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो आप ये जान लीजिए कि आपको शिद्दत के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको गर्मी में गर्मी लग रही है, ठंडी में ठंडी लगती है, अब बरसात आएगी तो कहेंगे पानी बरस रहा है, तो भाई ऐसे लोगों का नहीं हो पाएगा। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होता भाई, हार्ड वर्क में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको नौकरी लेना है उत्तर प्रदेश में, वर्दी पहनना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। और हम लोग तो रेगुलर पढ़ाते हैं, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम तो जब 50 लोग रहते हैं तब भी पढ़ाते हैं, 100 लोग रहते हैं तब भी पढ़ाते हैं, 5000 लोग रहते हैं तब भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब बच्चे ना पढ़ें तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब राजेश सर को देंगे, अब राजेश सर आपको बताएंगे कि अब राजेश सर ये बताएंगे कि हम लोग की स्ट्रेटजी क्या है। अधिक देखो, हमने हमेशा दावा किया है कि सिलेक्शन सबसे ज़्यादा देंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे सीजीएल हो, है ना। तो अगर हमने कहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, हमारी स्ट्रेटजी कुछ तो करेगी, है ना। हम लोग जो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम बच्चों को सिलेक्शन देंगे। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ होता और पेपर आउट नहीं हुआ होता बेटा, तो मज़ा तो उसी वक्त आ गया होता, ठीक है। लेकिन अभी राजेश सर को दे रहे हैं, राजेश सर बताएंगे आपको डिटेल में। थैंक यू सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे जो अपना उत्तर प्रदेश की सरकार है बहुत ही एक्टिव है, खास करके भर्तियों को लेकर, जैसा सर ने बोला है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, और मैं आपको बताऊं, सिर्फ कांस्टेबल के नहीं, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे कांस्टेबल के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में
खास करके कांस्टेबल और उसके बाद यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और पीएससी की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एज पॉसिबल है, जितनी जल्दी संभावना होगी उतना जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और रही बात इसका एग्जाम, तो इसका एग्जाम आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल रेडी रहिए। हो सकता है एग्जाम इसका जून में हो जाए, जैसा सर ने बोला, हो सकता है जुलाई में हो जाए, हो सकता है अगस्त में हो जाए। मतलब आप अपनी तरीके से पूरी तैयारी करके रहिए। ये जिस दिन बोलेंगे भाई ये तो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, बस आपको अपना प्रिपरेशन करना है। हम लोगों ने पिछले जो सर ने बोला कि हम लोगों की जो स्ट्रेटजी थी, हम लोगों ने पिछले जो एग्जाम हुआ था ये 17-18 फरवरी को, तो हम लोगों ने 52 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवाया था बहुत डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और हर बच्चा एक अच्छा परफॉर्म किया था, 110, 115, 120, और मुझे लगता है सर कि जो पेपर जिसका लेवल जैसा लेवल था 110 के ऊपर वाला सबका सिलेक्शन हो गया होता। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होता, वो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप जो भी बच्चे हैं जो अभी सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाइए। हम लोगों की ये प्रैक्टिस लगातार यहाँ क्लास में चलती है, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो जो टाइम हम लोगों को मिलेगा 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन सर, उसमें जैसे बच्चा कह रहा है कि सर प्रैक्टिस कराएंगे। मेरे भाई सुनो, अब एक बच्चा पूछा अभी कि सर प्रैक्टिस कब कराओगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस बेटा देखो, हम लोग नॉन सीरियस टाइप का काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर करेंगे तो पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, अन्यथा उस काम में हाथ नहीं डालेंगे। अब कुछ लोग हैं प्रैक्टिस सेट कराते हैं, प्रॉपर कोई शेड्यूल नहीं है, 25 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको कहते हैं प्रैक्टिस सेट। अरे काहे का प्रैक्टिस सेट भाई, 25 क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट होगा? अरे प्रैक्टिस सेट का मतलब कि पूरा पेपर एकदम पुलिस के एग्जाम की तरह दिखना चाहिए। अगर मैं 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और मैं बता दे रहा हूं कराऊंगा, तो उसी तरह हर हर महादेव बोल के एकदम पूरी शिद्दत के साथ, नहीं तो नहीं कराऊंगा, है ना। ये नौटंकी नहीं कि 20 क्वेश्चन बांट दूं, 25 क्वेश्चन बांट दूं और छलावा करूं बच्चों के साथ, ये सब मैंने नहीं किया भाई लाइफ में, ना मेरे से होगा। अगर कराएंगे तो 150 का बुकलेट आपको देंगे, बिल्कुल ऐसी बुकलेट कि परीक्षा में बैठे तो लगे तुमको कि वही बुकलेट खोल रहा हूं जो संदेश में मैंने खोली थी, राइट। और नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो पूरी शिद्दत के साथ, अन्यथा नहीं कराएंगे। और याद रखो, जिस दिन हमें श्योर मिल गया, जिस दिन हमें श्योर हो गया, अरे भाई मेरे भी जानने वाले लोग हैं, जिस दिन मैं श्योर हुआ कि अब एग्जाम होने वाला है, उसी दिन, 2 दिन भी नहीं लगेगा, मेरे पूरे सेट बन के तैयार है, मेरे पास पूरा सेट बनकर तैयार रखा हुआ है। मुझे 1 दिन केवल घोषणा करने की देर है कि भैया कल से आ जाओ प्रैक्टिस चालू, लेकिन अभी मैं वो डिसीजन तब लूंगा जब मुझे सूचना एकदम पक्की मिले कि भाई अब एग्जाम होने वाला है इस महीने में, बस उसी दिन से प्रैक्टिस चालू, वो भी सारे गरीब बच्चों का, हर बच्चों का ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों की मजबूरियों का हम लोग कभी फायदा नहीं उठाते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है उसमें सारी चीजों का। तो याद रखिए कि हम लोग शुरू करेंगे, ये तो गारंटी है कि डेट आने के तुरंत पहले हम शुरू कर देंगे, ठीक है, तुरंत पहले शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस सेट संदेश का चलेगा, वो भी बहुत जोरदार चलेगा। इस बार उत्तर प्रदेश में संदेश का झंडा जो है, इसमें पुलिस एग्जाम हो चाहे दरोगा एग्जाम हो, जिसको टक्कर देना है दे लेगा और पूरा लहराएगा, डंडे की चोट पे लहराएगा एकदम, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे राजेश सर, बताइए। बस बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि अब बच्चे एकदम पूरा फुली सीरियस हो जाएं, और फुली सीरियस आप सभी बच्चे हो जाएं, कांस्टेबल वाले हो, चाहे एसआई वाले हो, चाहे पीएससी वाले हो, और चाहे एसएससी वाले भी क्यों ना हो। आपको जो एसएससी का, एसएससी वाले बच्चे वो भी प्रिपेयर हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि आपको भी टाइम नहीं है, आप लोगों को भी टाइम नहीं है। तो चाहे एसएससी के बच्चे हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, पूरा फुली सीरियस हो जाइए। आपकी एक ही तैयारी सब जगह काम आएगी, और जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे अभी बहुत सारे एग्जाम आपको मिलेंगे, क्योंकि नवंबर तक बता दीजिए एसएससी सीजल के लिए जो बच्चे अगर सीरियस हैं वो कहेंगे बता। यस सर, हाँ, अभी हम लोग का जी एसएससी सीजल के लिए बता दीजिए, बता रहा हूँ 2024 में अगर हैं तो बता दीजिए कि करीब अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक एसएससी सीजल 2024 का होगा परीक्षा। हाँ चलिए, आप लोगों को तो सब पता ही है कि भाई एसएससी
का कैलेंडर हर वर्ष जारी होता है, जिसमें आपके सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के सब एग्जाम हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जाम आपके लगे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार एग्जाम लगे हुए हैं। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, लास्ट में आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, उसके बाद सीएचएसएल का है, और लास्ट में आपका एसएससी जीडी का है। तो जो भी बच्चे एसएससी वाले 2024 वाले, उनके लिए ये चीज है, और बाकी जो कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर और पीएससी के लिए, उनके लिए हम लोग प्रैक्टिस में, जैसे सर ने बोला, नोटिफिकेशन आते एग्जाम का, हम लोग तुरंत शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने मॉक टेस्ट करते रहिए, जो आपको नोट्स बनाए गए उसको पढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपके जो भी स्कोर होते होंगे, कम से कम उसमें 10 क्वेश्चन का इन्हेंस करने का काम संदेश की टीम जरूर करेगी। अगर आपका 110 हो रहा होगा तो 120 तक जरूर हम लोग पहुँचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। बाकी ज़्यादा कुछ जुबान से ना करके अगर कार्यों से किया जाए तो बेहतर होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग लगे रहिए, डर लगे तो मेरे पास चले आना, जिसको भी डर लगे संदेश चले आएगा, मेरे पास चले आना, डर निकाल दूंगा पक्का। थैंक यू सो मच।